जनसाधारण के लिए एक सूचना प्रसारित की जा रही है, आप लोग इसे ध्यान से सुने। सार्वजनिक सूचना, सुनो 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 सुनो। जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश दिनांक 16/11/2022 व आदेश दिनांक 13/12/2022 द्वारा वार्ड मुकदमा संख्या 20/22/15/51/000/24/87 सरकार बनाम रफीक अहमद पुत्र हाजी वकील अहमद निवासी पठान टोला कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ अंतर्गत धारा 14A उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अनुपालन में अभियुक्त रफीक अहमद उपयुक्त के द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई संपत्ति ग्राम सारहुल स्थित आराधी संख्या 216 रकबा 34 कड़ी को अंतर्गत धारा 14A उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 कुर्क किया जाता है। ये 14 वन गैंगस्टर एक्ट के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय मऊ के आदेश दिनांक 13/12/2022 के अनुक्रम आराजी संख्या 216 34 कड़ी लगभग 1.25 बिस्सा के करीब है। इसका बाजारू मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपए है। रफीक उर्फ टाइगर की है, जिनके द्वारा अवैध धन से अर्जित धन से इनके द्वारा क्रय की गई है संपत्ति अपराध से उसके संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ बाद स्थित किया गया। उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 13 दिसंबर को इसमें आदेश किया गया। 14 वन के तहत ये कुर्क की गई है। SDM साहब, तहसीलदार साहब, कोतवाल साहब, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ, ये इनसे संबंधित है, पूर्व में भी आप लोगों को बताया जा चुका है। और कोई संपत्ति है चिन्हित? इनके और चिन्हित की जा रही है संपत्ति। अभी पूर्व में भी 10-15 दिन पहले इनकी एक संपत्ति कुर्क की गई थी 14 वन में। कुर्क की कार्रवाई की गई, क्या था पूरा मामला? ये रफीक उर्फ टाइगर हैं, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 13/12/2022 के अंतर्गत इनकी सारहुल स्थित गाटा संख्या 216 जो 34 कड़ी की है उसको कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था। उसी आदेश का अनुपालन आज मौके पर कराया गया। थैंक यू।